जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा नई जानकारियाँ हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह के हमेशा आपको वीडियो मिलते रहे। हम यह बात करने वाले हैं आपकी राशि का अंत। आपने यही टॉपिक देखा होगा, यही टाइटल देखा होगा, आपकी राशि के दुखों का अंत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे और ये बातें जानने के बाद आप जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, आपके मन में कभी हताशा निराशा नहीं आएगी। सबसे पहली बात है कि अगर आप अपने दुखों का अंत चाहते हैं, अपनी परेशानियों का अंत चाहते हैं, तो खुद को ईश्वर के हवाले कर दें। किसी भी मंदिर में जाए या जहाँ खड़े हैं इस वक्त भी, आप ईश्वर को कह के, हे ईश्वर, हम आपके हवाले हैं। चाहे आप इसे माने या ना माने, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश्वर के हाथ में हैं। पर हम हमारे हिसाब से चलना चाहते हैं, हम हमारे मन से चलना चाहते हैं। देखिए, मार्गदर्शन, ज्ञान देना, अक्ल देना, रास्ता दिखाना, ये सब ईश्वर की पूरी महिमा है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम केवल हमारे हिसाब से चलना चाहते हैं। हमारे ज्ञान, कौशल, बुद्धि जो भी है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन हम उसके हिसाब से चलते हैं। हमें ईश्वर कई सारे संकेत भी देता है कि आप इस तरह से सही जाइए, लेकिन हम उसे नहीं जाते हैं। खैर, जो होना है वो होके रहेगा, ये बात तो फिर अंत में मैं कह ही देता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि खुद को आप ईश्वर के हवाले कर दें। हे ईश्वर, मेरा खाना पीना, संपत्ति, शोहरत, दौलत जो भी है मेरे पास, वो सब तेरा ही है और वास्तव में उसका है। लेकिन ये भाव, शुद्ध भाव अपने मन में जागृत कर लें। अगर ये भाव आप जागृत कर लेंगे, आपका मन, दिमाग, मस्तिष्क सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास खोने का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारे लिए सब कुछ पाना ही है, खोना कुछ है ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, सभी ये बात कहते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड को अगर आप पूरी मानसिक चेतना के साथ अगर समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो पहली बात क्या हुआ, दुखों के अंत के लिए आपको ईश्वर को खुद के हवाले कर दो कि हे ईश्वर, जो भी है मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ, तू जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगा, बस संकेत देते रहना। दूसरा है जप, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस जीवन के लिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कोई ये बात नहीं कहता है। आपको अगर राहु शांत करना है, केतु शांत करना है, सूर्य को शांत करना है, चांडाल योग है, मंगल योग है, कई सारे योग हैं, केवल जप करें। कोई एक मंत्र ले लें ईश्वर का, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, कंटिन्यू जप करते रहें। आप उस मंत्र के प्रभाव से जितने भी योग है सबके योग, जो भी योग, वो योग कट जाएंगे और आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन शर्त है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको जप करना है। जब कहीं भी, किसी भी वक्त, उठते बैठते, कहीं भी आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, नाम लेते सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं उसके लिए ऐसा करें, या कोई भी पाबंदी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे, तो दोस्तों अगर आप इन बातों को मानेंगे तो आपके सब कुछ चीज़ों जो है दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा और आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी राय हो खुलकर कमेंट्स में लिखेंगे। जय श्री महाकाल।